Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉक एंड रसोई। आज हम शाही पनीर बनाएंगे। उसके जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, दो मीडियम साइज की प्याज, पांच छोटे टमाटर, धनिया की डंठल जो हम टमाटर के साथ पीसेंगे, हरी मिर्ची, तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और कुछ दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं और लौंग ली है। और साथ में हमने लिया है काजू और मगज के बीजों को भिगो रखा है। इसका एक पेस्ट बनाएंगे और फिर इसके आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। पहले सबका पेस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन है और इसे हम देसी घी में बनाएंगे क्योंकि शाही पनीर है तो देसी घी में बहुत टेस्टी बनता है। इसमें दो ढाई चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। उसे गर्म होने में जैसा एक मिनट का टाइम लगेगा। घी हमारा गर्म हो गया है और इसमें एक स्पून जीरा डालेंगे, साथ में दो तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च और साथ में एक बड़ी इलायची। इन सबको अच्छे से भूनने देंगे। देखिए बिल्कुल कैसे आवाज आ रही है। अब इस पॉइंट पे हम गैस हमारी स्लो ही है, स्लो मीडियम रखिएगा। अब इसमें हम प्याज मिलाएंगे। प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। उसमें भी एक या दो मिनट का टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा लगता है, दो या तीन मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका लिटिल बिट ऑफ ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाएंगे, तो खुद का भी बनाया हुआ फ्रेश है बिल्कुल। उसे भी अच्छे से इसके साथ में मिक्स करेंगे। गैस थोड़ी सी मीडियम से तेज कर लीजिए, थोड़ी सी। इसमें अभी एक आध मिनट इसको और पकने देंगे। अब इस पॉइंट पे हम काजू का पेस्ट मिलाएंगे। उसे भी अच्छे से भूनेंगे, साथ में थोड़े से मसाले और मिलाएंगे। हम इसमें हमने 1/4 स्पून हमने हल्दी मिला दी है, साथ में उसमें हम देगी मिर्च मिलाएंगे। पूरी एक स्पून देगी मिर्च मिला दी है, इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको भी भूनने में 2 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए इस समय ये पॉप अप कर रहा है तो इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। बस इसमें 1 मिनट लगेगा कुक होने के लिए। तब इसमें हम टमाटर वाली ग्रेवी जो हमने टमाटर पीसे थे वो मिलाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इसमें अपने टमाटर की प्यूरी जो बनाई थी वो पूरी मिला देंगे। और गैस मीडियम से तेज कर लेंगे थोड़ा सा, उसको तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से घी थोड़ा सा निकल नहीं जाए। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा इसको बनने में। ये देखिए कैसे पॉप अप हो रही है, तो इसके सबसे बेस्ट है इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और सब मीडियम हीट पे पकने देंगे। और बीच बीच में हिलाते रहेंगे जैसे ये चिपके नहीं। देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अभी भी ये पूरी तरह से पकी नहीं है। इसमें किचन किंग मसाला मिलाएंगे 1 स्पून, सॉल्ट हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे। इसमें हमने 1 स्पून किचन किंग मसाला मिला दिया है फ्रेंड्स।
इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी पूरी तरह से पकी नहीं है, इसे पूरे पकने में 5 मिनट और लगेंगे। जब तक इसे साइड में आप देखेंगे जब तक थोड़ा सा रोगन नहीं छूट जाता है तब तक इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी बिल्कुल रेडी है करी। अब इस करी में हम लास्ट में हमसे धनिया मिलाएंगे। एक चम्मच साबुत पिसा हुआ धनिया मिला दी है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज्यादातर लोग इसमें दही डाल के बनाना की कोशिश बनाते हैं, हम दही का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी टमाटर हमारे बहुत खट्टे हैं, ऐसे में एक ग्लास दूध मिलाएंगे और उसको चलाते रहेंगे। जब तक इसमें बबल्स नहीं आते हैं तब तक इसको हम पकाएंगे और इसको हिलाते रहेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल अलग तरीके की शाही पनीर की करी बनेगी। अब फिर ये पॉप अप करेगी तो इसके ऊपर फिर हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। उसको करने एक ज्यादा से ज्यादा हमें 2 मिनट और लगेंगे इसको पकने में। देखिए फ्रेंड्स साइड से कितना घी छूट चुका है, हमारी करी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। तब हम इस पॉइंट पे पनीर मिलाएंगे जो हमने क्यूब्स के साइड में क्यूब्स में हमने काट लिया है। ये हमारा 200 ग्राम पनीर है और उसे अच्छे से मिलाएंगे इसमें। करी हमारी काफी गाढ़ी है, इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स में हम इसमें किशमिश मिलाएंगे थोड़ी सी। अगर आपको पसंद ना हो तो बिल्कुल मत मिलाइए, मेरे यहाँ पसंद घर में सब पसंद करते हैं तो इसलिए मिला रहा हूँ। इस पॉइंट पे इसमें हम पानी मिला के इसको बॉईल देंगे और बिल्कुल हमारी सर करी रेडी रहेगी सर्व करने के लिए। मैंने वही ग्लास लिया जिसमें दूध लिया था। उसमें एक बॉईल आने देंगे, करी हमारी काफी गाढ़ी है। अभी इसमें पानी हम और मिलाएंगे, मैंने आधा कप पानी और मिला दिया इसमें। अब इसमें साथ में इसमें अब नमक मिलाएंगे। इस पॉइंट पे नमक स्वाद अनुसार ही डालिए जैसा आपको अच्छा लगे। ये एक चम्मच हमने इसमें डाल दिया है और ये आधी चम्मच 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इसमें बॉईल आने देंगे, बॉईल आते ही बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। गैस तेज कर लीजिएगा, ऐसे बॉईल आने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट बाद में अब ढक्कन खोल के देखेंगे, हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल देखिए ऊपर आपको हल्का हल्का रोगन आ रहा है। अब सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको लास्ट में बस गार्निश करेंगे हरे धनिए से। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डालते हैं और ये सब्जी हमें बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।